अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शे मंजूर और itbadshah.com की जानिब से वेबसाइट रॉयल लर्निंग कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। नेक्स्ट हम जो है अपने डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, हमारे पास यहाँ पर पार्ट जो है 105 आ जाता है, हाउ टू अप्रूव USA और UK नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट्स। तो हम क्या करते गए, इसके बाद हमारे पास आगे चलते जाएँ तो मज़ीद पार्ट्स आते गए जो के है पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपालियन एंड अदर कंट्रीज़ नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट्स आप किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है मलेशियन एडसेंस अकाउंट जो है वो आप किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं और अदर कंट्रीज़ भी जो भी कर लें। इसके बाद आगे रहता है हाउ टू क्रिएट एडसेंस एड्स एंड पुट। जब हमें एडसेंस अकाउंट मिल जाएगा तब जो है उसके एड्स क्रिएट करके हम अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं, वो सारा इस पार्ट के अंदर हम जो है करेंगे। फिर आगे जो है बाकी के एडसेंस जो है एडसेंस के अलावा जो नेटवर्क्स हैं उनके अकाउंट कैसे अप्रूव करवा सकते हैं, जैसे तबोला हो गया, Media.net हो गया, इनकी सारी मैं आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप जो है पाकिस्तानी नॉन होस्टेड की बात कर लें या इंडियन वगैरह जो है एक साइट के ऊपर अप्रूव करवा सकते हैं तो आप Media.net वगैरह का भी अकाउंट जो है अप्रूव करवा सकते हैं। तो खैर हम जो है इसके अंदर हम USA या UK का कोई एडसेंस अकाउंट जो है उसको अप्रूव करेंगे। बाकियों के अंदर जो है मैं आप लोगों के साथ ट्रिक्स शेयर कर दूंगा, क्योंकि फ़िलहाल पहला तो आपको अप्रूव करवा कर दिखाना लाजमी है। उसके लिए ये है कि क्योंकि सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करना है कि कहाँ पर जाकर कौन सा फॉर्म फिल करना है, देन कैसे अप्रूव होगा, वो सारा हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है थोड़ी सी ट्रिक्स मज़ीद अप्लाई करके आप ये वाले भी जो है ले सकते हो। अब हम जो है आगे चलते हैं और जनाब यहाँ पर आगे मैंने एक जीमेल क्रिएट की है, फ्रेश जीमेल है मेरे पास जिसके ऊपर कोई एडसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर जो है हम एडसेंस अकाउंट लेंगे या लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपके पास कौन सा मटेरियल होना चाहिए कि आपको एडसेंस अकाउंट जो है मिलेगा, उसके लिए आपके पास सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो है यहाँ पर तीन चार चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ पर जो है सबसे पहले है इंक्रीज़ योर विजिटर्स। अब अगर आप सोच रहे हो हमारे विजिटर कहाँ से आएंगे, तो भाई 74 पार्ट्स का जो है SEO कोर्स दिया है। अगर वो आप अपनी साइट के ऊपर SEO जो है सारी सेम अप्लाई नहीं करते तो भूल जाएंगे, आपको एडसेंस अकाउंट भी मिलेगा। USA UK का जो एडसेंस अकाउंट होता है वो तो फिर भी जो है कोशिश करके आपको मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी नॉन होस्टेड वगैरह जो है वो आपको इतनी आसानी के साथ जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए जो है आप अपनी साइट की अगर SEO वगैरह करते गए, अगर आपके पास पेजेस हैं या जो भी है, तो आपकी साइट के ऊपर मिनिमम जो है डेली के 50 से 100 विजिटर जो है होने चाहिए। मिनिमम 50 तो होने चाहिए, अगर आप 50 लाने में भी नाकाम है तो आप फिर भूल जाएं। ठीक है, 50 विजिटर तो आप वैसे भी जो है अपनी साइट की पोस्टिंग की जो है सोशल मीडिया के ऊपर शेयरिंग करते हैं तब भी जो है आपको 50 विजिटर्स मिल जाते हैं, ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग करें या जहाँ भी करें। तो ये 50 विजिटर्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपने एडसेंस अकाउंट कल अप्रूव करवाना है तो आप आज 50 लेकर आएँ, कल उसका अप्रूवल भेज दें, कल भी 50 लेकर आएँ, परसों भी 50 लेकर आएँ, और तब तक 50 50 जो है इतने ले जो है विजिटर्स लाते जाएँ जब तक जो है आपका एडसेंस अकाउंट 100% अप्रूव कर नहीं कर देता। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है मैंने बनाई है वो है आपके पास राइट क्वालिटी आर्टिकल्स। क्वालिटी आर्टिकल्स जो है अब ये जो USA UK का एडसेंस अकाउंट होता है वो आपके आर्टिकल्स ना भी हो तब भी जो है 80% या कर लें 75% चांसेस होते हैं आपको एडसेंस अकाउंट जो है वो मिल जाता है। लेकिन आपकी साइट के ऊपर आर्टिकल्स अगर हों तो आपका बेस्ट रहेगा कि वो 95% हो जाता है कि आपको जो है साइट के ऊपर एडसेंस अकाउंट मिल जाता है। अब बात ये आती है कि आर्टिकल्स कैसे लिखें, ये वो आर्टिकल्स के काफ़ी तरीके हैं, आपको पीछे बताया भी होगा। आप आर्टिकल्स जो होते हैं वो रीराइट भी कर सकते हैं, रीराइट करवा भी सकते हैं, सब तरीके इसके अंदर होते हैं। रीराइट से मुराद ये है कि अगर एक टॉपिक है जियो न्यूज़, मतलब जियो न्यूज़ का आर्टिकल लिखा हुआ है कि भाई एक अच्छी कंपनी है, ये पता नहीं 2002 में आई या 3 में आई, जितने भी आई, तो तब इसकी बुनियाद रखी गई और इसका जो है मालिक वो मीर शकील रहमान है, मतलब ये कि आर्टिकल आ रहा है इसका। और जियो न्यूज़ के अंदर ये प्रोग्राम होते गए हैं, फलां प्रोग्राम, ये प्रोग्राम शहज़ेब खान ज़्यादा करता है, ये फलां करता है, फलां करता है,
तो एक जियो न्यूज़, एक न्यूज़ जो है उसके ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं। मतलब आपको एक आर्टिकल लिखा हुआ मिल गया है, अब आप जो है उसको कॉपी करके अगर अपनी साइट पर पेस्ट कर देंगे और उससे एडसेंस अप्रूव करवाएंगे तो आपको ये जो है कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉपी मटेरियल जो है अगर आपने उर्दू में उठाया हुआ है तो वो तो फिर भी चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपने अगर इंग्लिश वाला उठाया हुआ है तो वो फिर भूल जाए। उसके लिए क्या होता है, आप उसी आर्टिकल को जो है अगर खुद आप के अंदर इतनी महारत है या आप अच्छे खासा इंग्लिश लिख लेते हैं, आप क्या करें उस आर्टिकल को 2 से 3 टाइम्स रीड करें और रीड करके जो है ना खुद से अपने अल्फाज में लिखें, उसको बोलते हैं री राइट आर्टिकल्स, री राइट करवाना। तो उससे क्या होगा, आप उसका रीड करके अब बिल्कुल आपको सेम याद तो हो नहीं जाएगा, आप अपने से लिखोगे आपकी नॉलेज जो है उससे कभी भी जो है 100% कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स भी जो है आप कर सकते हो। फिर इसके बाद स्पिन आर्टिकल्स भी होते हैं, उसका भी जो है आप लोगों को पता है, गूगल पर भी आप रिसर्च लगा सकते हो, आपको मज़ीद पता चल जाएगा। तो ये आर्टिकल्स अगर आपके पास होंगे, आपको तबूला के अकाउंट जो है, इसके अलावा जो है मीडिया डॉट नेट का अकाउंट जो है, मीडिया डॉट नेट हो गया, या इसके अलावा पाकिस्तानी नॉन होस्टेड एडिशन अकाउंट, इन सारों के लिए जो है आपको मिनिमम 20 से 25 आर्टिकल्स ज़रूर चाहिए होंगे। मेरा काम है आप लोगों को हर चीज़ बताना, अगर आप लिखते हैं या नहीं लिखते वो आपकी सर दर्द है। इसके बाद आगे आ जाते हैं आपकी साइट के ऊपर HTTPS जो है, पाकिस्तानी जो है एडसेंस अकाउंट वगैरह जो है लेने के लिए HTTPS आपकी साइट के ऊपर होना लाजमी है, USA UK के लिए। अगर ना भी हो तो खैर है, आपको जो है एडसेंस अकाउंट जो है वो मिल जाता है, ये और वो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सब के बगैर भी हम अप्रूव करवा लेते हैं, लेकिन आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप ये सारा कुछ अप्लाई करें और आपको जो है 95% आपके चांसेस हो जब आप एडसेंस अप्लाई करें तो वो आपको आगे से मिल जाए। यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारे पास आ जाती है, मैंने कोई लंबी लिस्ट नहीं बनाई जिसको आप देख कर डर जाएं, और जो मेन वाली है वो मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ पर जो 4 है ये है साइट डिज़ाइन लाइक अ प्रो, तो आपकी साइट का डिज़ाइन एक अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जितना आपको जो है एडिट करवाया मैंने अब तक, तो आप जो है डिज़ाइन करने में मास्टर बन चुके होंगे। ठीक है, डिज़ाइन से मुराद ये है कि आप, तो आपकी साइट पर ये नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा सा लोगो लगा दें। अगर साइट का नाम है शुए मंजूर डॉट कॉम तो लोगो भी जो है आपका शुए मंजूर या SM इस टाइप का होना चाहिए, जिस तरह से कंपनीज का होता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि शुए मंजूर के लोगो की जगह जो है अपनी बड़ी सी जो तस्वीर है वो लगा दें, या अगर आपकी साइट जो है वो फैशन के रिलेटेड है तो उसके ऊपर जो है एक लड़की की तस्वीर लगा दें। इन सारी चीज़ों को जो है गूगल इग्नोर करता है, लोगो आपका लोगो ही होना चाहिए, उसकी जगह कोई ऐसी तस्वीर वगैरह कोई चवली नहीं लगानी है आपने। लोगो आपका उसी साइज़ में होना चाहिए जिस साइज़ में जब आपने एक थीम जब आप डाउनलोड करते हैं उस थीम की डेमो निकाल लें, डेमो पर जाकर उसका जो लोगो है डेमो वाला लोगो उसको डाउनलोड करें, उसको डाउनलोड करके उसका साइज़ चेक करें। ठीक है, जो आपने थीम लगाया है उसके साइज़ का लोगो आपने सेम बनाकर अपनी साइट के ऊपर लगाना है, तब जो है वो सही तरीके से डिज़ाइन होता है। फिर आपकी जो थीम होता है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, रिस्पॉन्सिव मैगजीन थीम आपने यूज़ करना है वर्डप्रेस का, तो आपको एडसेंस अकाउंट जो है वो इजीली मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिव से मुराद अगर आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको सारे आ जाएंगे, जैसे जेरेडा, सईफा और अदर थीम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं, जबकि वो उससे मुराद ये है कि मोबाइल के ऊपर भी साइट सही से ओपन हो जाती है, जो है लैपटॉप के ऊपर भी, इसके अलावा जितनी अदर डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर आपकी साइट जो है अच्छे तरीके से रिलोड हो जाती है। तो यहाँ पर 6 हमारे पास आ जाता है, नेवर कॉपी अदर आर्टिकल्स और इमेज। आर्टिकल्स का तो मैंने आपको बता दिया कॉपी नहीं करना, इमेज। अब इमेज से ये है कि किसी की इमेज जो है अगर आपको ज़्यादा पसंद आ गई, आप लगाना चाहते हैं आप लगा भी सकते हैं, लेकिन इसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है उसकी इमेज जो है आपने बिल्कुल भी डाउनलोड करके नहीं लगानी, क्योंकि जो बड़े बड़े वेब मास्टर होते हैं वो क्या करते गए हैं, वो इमेज भी जो लगाते हैं अपनी साइट के ऊपर वो भी जो है वो बाय करके लगाते गए हैं। अब आप सोच रहे हो गूगल के ऊपर करोड़ों इमेजेस पड़ी हुई हैं फिर भी लोग बाय करते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, लोग जो गए वो अपना स्टूडियो बनाकर खुद इमेजेस बनाते गए हैं। ठीक है, हर टाइप की इमेजेस बनाई जाती हैं, देन वो अपनी इमेजेस जो हैं उनको सेल करते हैं आगे, तो कुछ जो है उन्होंने बाय की हुई लगाई होती हैं, जब आप उनकी इमेज जो है कॉपी करते गए तो तब आप वहाँ से भी फंस जाते गए।
लेकिन इस चीज़ का ज़्यादा इशू नहीं है। इसके लिए आपने ये करना है, इमेज को डाउनलोड करने से बेहतर है कि इमेज के लिए आप जो है एक लाइट शूट के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, जिससे जो है आप स्क्रीन शूट ले सकते हो। जैसे कि मैंने प्रिंट स्क्रीन के बटन पर क्लिक की तो ये हमारे पास आ गया कि मैं यहाँ से इतना स्क्रीन शूट लेना चाहता हूँ। तो आप क्या करें, आप उस इमेज के ऊपर से जो है उतना उतना स्क्रीन शूट ले लें, और स्क्रीन शूट से वो जो है आप अपने कंप्यूटर में रख कर जो है आप उसको अपलोड करें, देन जो है आपकी इमेज कॉपी वाले सिस्टम में जो है वो नहीं आएगी। तो इस तरह की जो है साइट आपने रेडी करनी है, और रेडी करके जो है आपने उसको जो है एडसेंस उसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर दी लार्ज नेटवर्क डॉट कॉम के नाम से एक साइट जो है उसको थोड़ा सा रेडी किया है। इसके ऊपर मैंने कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं डाले, मटेरियल भी जो है मैंने सारा कॉपीराइट ही एक तरह से उठाया, जबकि गूगल ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये मटेरियल बिल्कुल भी मेरा नहीं है। ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं मेरे पास तो पेजेस वगैरह भी हैं, मैं तो ट्रैफिक वगैरह भी ला कर आसानी के साथ इसके ऊपर एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव करवा लूँगा। कोई मज़ीद मैंने सेटिंग्स इसके अंदर नहीं की, कम से कम की हैं। कम से कम करने का मकसद मेरा यही था कि आप जो है जितना कम सेटिंग करके मैं उसके ऊपर एडसेंस अकाउंट लेता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब आपने ये बिल्कुल नहीं करना, जितना भी आपको मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो सारी अपनी साइट के ऊपर अप्लाई करें, आपको एडसेंस अकाउंट मिल जाएगा। नहीं मिलता तो भाई मुझे बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं बोलना, ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, आपकी साइट चेक की जाएगी, जो भी फर्दर जो इसके अंदर मज़ीद आप लोगों की हेल्प मैं कर सका वो जो है मैं आप लोगों की कर दूंगा। बाकी ये है कि ये जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो जो है अभी जो है सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर 2017 में ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, अगर आप सितंबर के बाद आते हैं, 8 महीनों बाद, 10 महीनों बाद आते हैं, तब होता है अगर गूगल की जो है पॉलिसी चेंज हो जाती है या कोई और सीन हो जाता है कि आपके अकाउंट्स वगैरह अप्रूव नहीं होते हैं, तो आपने मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना, ग्रुप में अपने पोस्ट करें जहाँ पर आपको जो है ऐड किया गया है, जितनी भी आपकी हेल्प वगैरह हुई, कोई इशू वगैरह हुआ, आपको जो है वहाँ पर मज़ीद जो है आपको गाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि ये कोर्सेज़ जो होते हैं कुछ टाइम बाद लीक होने होते हैं, जब लीक होते हैं तो ये मैंने चीज़ एक आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप इससे जो है एडसेंस अप्रूव करवा कर रनिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी शेयरिंग होती है वो क्या करते हैं, इस चीज़ को अपना पेशा बना लेते हैं। पेशे से मुराद वो बार बार जो है एडसेंस अकाउंट्स अप्रूव करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं, करवाते जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे सारा काम जो है वो स्पैमिंग में चला जाता है, एडसेंस अकाउंट मिलने बंद हो जाते हैं, गूगल अपनी पॉलिसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देता है, वो बाद में रोना धोना यही स्टार्ट हो जाता है, भाई शेयरमैन से उनके कोर्स जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है हम इसके ऊपर एडसेंस अकाउंट हमने अप्रूव करवाना है, तो हमें जो है सबसे पहले ये हमारे पास एक जीमेल होनी चाहिए। हमारे पास ये जीमेल है, अब इसके बाद जो है हम adsense.com पर जाएंगे। यहाँ पर आकर जो है साइन इन साइन अप की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, और ये बाकी जो है आप यहाँ से गेट स्टार्टेड रिसोर्सेज सक्सेस स्टोरीज ये सारा कुछ जो है अगर आप रीड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी हम ऊपर आते हैं, हम इसको साइन अप करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी जो आपकी ईमेल है आपने जो है इनको ईमेल देनी है। अच्छा, तो इसके बाद जो है हम अपनी ईमेल चूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये हमसे जो है साइट का यूआरएल मांग रहे हैं, जिस साइट का हमने एडसेंस अकाउंट जो है अप्रूव करवाना है। तो जनाब मैंने जो है इस साइट का एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाना है, और नेक्स्ट यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इसका यूआरएल कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ये जो है हमसे कंट्री पूछ रहा है, हम यहाँ पर इसको यूएसए कर देते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नीचे आएंगे तो ये कंट्री हमारे पास मौजूद है।
नेक्स्ट ये जो गया हमसे पॉलिसी अप्रूव करवाते गए, हम क्रिएट अकाउंट कर देते हैं, ठीक है ये मैं पाकिस्तानी आईपी के ऊपर ही कर रहा हूँ, हमें यहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि प्रॉक्सी वगैरह लगाकर या जो है वीपीएन वगैरह लगाकर, तो आप ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि जो आपने लगाना है वो मिनिमम जो है उसका जो है आईपी वगैरह जो है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी वीपीएन आप यूज़ करें उसका आईपी ब्लैक लिस्टेड से ऊपर हो, उसकी हेल्थ वगैरह जो है वो 70% प्लस आनी चाहिए, देन आप उससे जो है आप वो करवा सकते हो, फिर आपको कोई इशू नहीं, आप उससे एडसेंस अकाउंट लॉगिन करें जो मर्ज़ी करें। अब ये चीज़ करने के बाद ये जो है हमसे एड्रेस वगैरह मांग रहा है, इनको एड्रेस हमने कहाँ से देना है, फेक एड्रेस फ़िलहाल पुट कर दें, नेक्स्ट आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने एड्रेस किस तरह से वो लगा सकते हैं और अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं, जबकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आप किस तरह से करवा सकते हैं, फ्री मेथड्स उसके क्या गए हैं, पेड क्या गए हैं, सारे सीन आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूँगा। अब यहाँ पर हम जो है फेक नेम, फेक नेम जनरेटेड डॉट कॉम एक साइट है, इसका ये यूआरएल मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ से आप यूएसए का फेक एड्रेस जो है वो उठा लें, क्योंकि मैं तो कौन सा यूएसए में रहता हूँ, नेम सेट कोई भी रख लें आप, रैंडम की जगह मेल मैं कर देता हूँ, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल भी जो है चूज़ कर सकती हैं अपना। इसके बाद जो है मैं यहाँ से एड्रेस जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ और बाकी जो है मैं यहाँ पर सिटी लगाता हूँ, ये इनकी स्टेट है, ये जिप कोड इसका आई थिंक 36006 था, पहले काफ़ी ज़्यादा अप्रूव करवा चुके हैं, तो यहाँ पर डिटेल्स आप सारी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, मैंने कुछ अपने से लगा दी हैं, ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद आपने सबमिट कर देना है, ये इसके ऊपर पिन वगैरह का बिल्कुल नहीं भेजेगा, जस्ट अप्रूव करवाने के लिए एक है, और क्योंकि पिन वगैरह जो है वो $10 के बाद सीन आता है, जब हमें एडसेंस अकाउंट मिल जाएगा तो हम इसका एड्रेस वगैरह जो है वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लस ये जो है नंबर दिया हुआ है जो हमने पहले दिया था, इसकी जगह मैं अब जो है +92 कर देता हूँ, 3446130743 मैंने कर दिया, और टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, आप नंबर जो है पाकिस्तानी लगाकर भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं, और ये ऑप्शन जो है आपको गूगल खुद प्रोवाइड कर रहा है, तो सो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी लगाने से कोई प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, हम तो भाई इस तरह से कहें, अगर आप कहें तो हज़ारों एडसेंस अप्रूव करवा चुके हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं आया, अभी तक जो है वो पिन कोड नहीं आया, तो यहाँ पर पिन मुझे आ चुका है, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये बता रहा है कि आपकी साइट जो है ये वेरीफाई करेंगे ये कि हमारी साइट है या नहीं, क्योंकि इस तरह से अगर हो तो आप किसी और की साइट के ऊपर एडसेंस अप्रूव करवा रहे हो, सो इसके लिए ये जो है कोड आपने कॉपी करना है, और ये बता रहा है कि इसको पेज कहाँ पर जाकर करना है, आपने पेस्ट इट इन टू द HTML ऑफ HTTP लार्ज नेटवर्क डॉट कॉम बिटवीन द हेड, जहाँ पर हेड में जाकर हमने पहले भी एक दो बार कोड रिप्लेस किए थे, वहाँ पर जो है हम जाते हैं द लार्ज नेटवर्क डॉट कॉम /WP admin पर जाऊँगा, अपना WP जो है उसको लॉगिन करता हूँ सबसे पहले। अब इसके बाद जो है मैं अपनी साइट के वर्डप्रेस में आया और अपीयरेंस में गया, एडिटर में आया, देन मैं जो है थीम हेडर में आ गया, जिसको हेडर .php आप कह सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये देखें आप इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आकर वो बोल रहा है कि हेड के नीचे जो है आपने ये कोड रिप्लेस कर देना ताकि वो वेरीफाई कर सके कि वाकई ये आपकी साइट है और आप इसका एडसेंस अकाउंट जो है वो ले रहे हैं, मैंने इसके नीचे रिप्लेस कर दिया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद मैं जो है आई हैव पेस्टेड द कोड इन टू माई साइट करता हूँ और डन कर देता हूँ, ठीक है। और ये बता रहा है कि 3 डेज़ के अंदर जो है ये आपका एडसेंस अकाउंट जो है उसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है,
अगर अप्रूव करना है तो ठीक, अगर अप्रूव नहीं करना तो किस वजह से नहीं करना, क्या रीज़न है आपकी साइड में, क्या मिस्टेक्स हैं, वो सारा जो है ये आपको गाइड कर देंगे। इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये नो कि ईमेल्स वगैरह भी आई हैं, तो खैर शुएब मंसूर को इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या नई चीज़ जो है वो मिलती है, हम किस तरह से एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव करवा सकते हैं, पाकिस्तानी नॉन होस्टेड एडसेंस अकाउंट।